तो मैं ना बहुत नाकारा बच्चा था, मतलब पूरी फैमिली में जैसे होता है ना, एक बंदा ये बच्चा फेमस है भैया, हाथ से निकला हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है। तो मेरे पापा को ज्यादातर जो चाचा ताऊ होते हैं वो सब बोलते थे कि भाई तूने इसे ज्यादा जल्दी हाथ से बाहर निकाल दिया और ये और वो है। तो मैंने काफी चीजें सुनी और सही थी अपने टाइम पे, तो एक मन में यही आता था कि भाई यहाँ कुछ करके दिखाना है, कुछ नाम कर देना है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद। इवन मैंने जब गाड़ी ली थी तब भी मैंने कोई वीडियो कोई ब्लॉग कुछ नहीं बनाया, बट बहुत सारे क्वेश्चंस, एक ही चीज़, इंस्टाग्राम की रील्स पे भी सेम कमेंट, मेरे DM इनबॉक्स में भी सेम कमेंट्स, यूट्यूब पे भी सेम कमेंट्स कि भाई कैसे कैसे ली फॉर्चूनर एट द एज ऑफ XYZ। 20s में हूँ मैं, मतलब जस्ट कम्प्लीटली 20, तो आप गैस कर लेना एज क्या होगी। और 2022 का पास आउट हूँ मैं 12th से। तो मेरे से बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि आपने कैसे फॉर्च्यूनर अर्न करी, कैसे प्लान बना फॉर्च्यूनर लेनी है। काफ़ी सारी गाड़ी आपके पास ऑलरेडी थी, जैसे कि मैंने इसी लोकेशन पे, आपने काफ़ी ब्लॉग्स मेरे देखे होंगे, मेरी किया सेल्टॉस, एल्ट्रॉज। तो ये क्वेश्चंस, इनके आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। आता हूँ गाड़ी की तरफ एक बार। सो गाइज, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक, जो मेरे दिल के बहुत करीब थी सन 2020 से, क्योंकि मेरा एक भाई है, दोस्त है, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो देवेश नाम का भाई है, उस पर फॉर्च्यूनर थी स्टार्टिंग से, जब मतलब हमारी दोस्ती हुई थी 2018-19 में, तब से उस पर फॉर्च्यूनर थी। और एक मन ना वही हो गया था कि भैया जीवन में कभी फॉर्च्यूनर लेनी है, इतना कामयाब होना है जीवन में कि एक दिन फॉर्च्यूनर ले पाऊँ। तो उसके साथ जब हम घूमते थे ना फॉर्च्यूनर में, तो जैसे कोई बात होती थी तो मैं उससे कहता था देवेश एक दिन लेंगे और तू गाड़ी चलाएगा, मेरी और तेरे भाई की गाड़ी होगी। तो वो चीज़ें सच हो गई। अब कैसे ली फॉर्च्यूनर, क्यों फॉर्च्यूनर ही ली, ये आंसर तो आपको मिल चुका है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भाई इस उम्र में कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही ना 8th-9th क्लास से मेरा मन था बिजनेस में ही, तो फैमिली बिजनेस था फार्मेसी का, और हमेशा से एक ही मन होता था कि भाई हाँ, एक तो सोसाइटी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप कैसी सोसाइटी कैसे लोकेलिटी में रहते हो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किस वे में किस ढंग में जा रहे हो। जब से हमने अपनी सोसाइटी चेंज करी ना, मतलब जहाँ हमारी फार्मेसी है दैट इज वो थोड़ा सा एक लोकल एरिया है, तो वहाँ पे इतने अपब्रिंगिंग लोगों की अच्छी नहीं है और इतना सराउंडिंग अच्छा नहीं है। जैसे हमने वहाँ से चेंजेस करे अपनी सोसाइटी में, हम एक सेक्टर में आके रहना स्टार्ट करे, तब से हमने देखा भाई लोगों के कितने तकड़े हिसाब किताब हैं, चीज़ें आर पार है, सबकी घर आर पार है, इतने तकड़े तकड़े घर हैं सारी चीज़ें। तो बस हाँ, तब से मन बन गया कि भाई कुछ बड़ा करना है, और कैसे करना है क्या करना है ये तो पता नहीं, लेकिन जब से श्याम बाबा से जुड़े हम 2020 के अराउंड, तब से चीज़ें अपने आप होती चली गई, पता ही नहीं चला, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। बस अपना टाइम रूटीन हमने फॉलो करा कि भाई हाँ, इतने घंटे अगर काम में देने तो वो देने ही देने हैं, और वो प्रोडक्टिव करना है कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव करना ही करना है। अब लोगों को तो लगता है कि भाई ऐसे ही आ गई हवा में चीज़ें, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हवा में चीज़ें हो जाएँ और हवा में सारी चीज़ें हो जाए ना। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं 4x2 ही क्यों ली भाई, 4x4 की ऐसी कोई नीड नहीं है ना, मुझे कोई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी, क्योंकि घर की पहली बड़ी गाड़ी है, हमें केयर से रखनी थी, प्यार से चलानी थी, शौक पूरा करना था बेसिकली। एंड जो मेरा दोस्त है देवेश, उसने भी यही रिकमेंड करा कि भाई 4x2 ही लो, 4x4 का कोई ऐसा यूज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने 4x2 ले ली, और थोड़ी सी सस्ती भी थी तो इसलिए ये ली। सक्सेस स्टोरी मैं एक वीडियो में पूरी समअप करूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर वो सक्सेस स्टोरी आपको सुननी है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें करी, कैसे मन बना चीज़ें करने का। और ये गाड़ी कुछ है, 7,700 किलोमीटर चला दिया मैंने मात्र और मात्र 2 महीने में। तो भाई शौक था तो भाई चलाते गए, 2-3 बार नीम करोली हो गया आ गई, 2-3 बार अपना वहाँ चली गई खाटू श्याम, और पापा भी मतलब मथुरा आगरा हर जगह लेके जाते रहते हैं। मैंने घर वर का भी अपना व्लॉग में नहीं दिखाया, पर कोशिश करूंगा कि आपको एक बार घर भी दिखाऊं, अपना पुराना घर, और अब जो नए घर में हम शिफ्ट हुए अपने में, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो में समराइज करूं। तो यही थी कुछ सक्सेस स्टोरी, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ ये चीज़ें बताने में, बट बताना अच्छा भी है क्योंकि आप लोग मोटिवेट होंगे, जिनके फैमिली बिजनेस है वो सोचेंगे फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जॉब कर लेते हैं, जॉब करके ये करेंगे वो करेंगे, जॉब से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप जॉब में अपना 100% नहीं देते हो। कहीं भी आप अपना 100% दोगे तो वो चीज़ें निकल के आती हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ है, हाँ उधर आ रहा हूँ 5 मिनट आ रहा हूँ, मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ जॉब कर रहा है एंड
वो काफी टाइम से काफी मेहनत से जॉब कर रहा है, तो मैं उसे उसकी हक का दूंगा, तो मैं उसकी सैलरी उस अकॉर्डिंग दूंगा या उस अकॉर्डिंग बढ़ाता जाऊंगा या उस अकॉर्डिंग से वहां ले जाऊंगा, हो सकता है उसे एक ब्रांच खुलवा दूं मैं। वो चीजें डिपेंड करती हैं उसकी लगन पे, उसकी मेहनत पे। तो साथ ही साथ चलते भी रहेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। सबसे बड़े भाई करता धरता ये है श्याम बाबा, जो भी श्याम बाबा को मानते हैं वो कमेंट में जय श्री श्याम लिख देना। बाकी आपको पता ही है कि किसी को अगर दिल से मानोगे और दिल से मांगोगे उससे कुछ, तो वो चीजें होनी होनी है। तो मैं ना बहुत नाकारा बच्चा था, मतलब पूरी फैमिली में जैसे होता है ना, एक बंदा ये बच्चा फेमस है भैया, हाथ से निकला हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है। तो मेरे पापा को ज्यादातर जो चाचा ताऊ होते हैं वो सब बोलते थे कि भाई तूने इसे ज्यादा जल्दी हाथ से बाहर निकाल दिया और ये और वो है। तो मैंने काफी चीजें सुनी और सही थी अपने टाइम पे, तो एक मन में यही आता था कि भाई यहाँ कुछ करके दिखाना है, कुछ नाम कर देना है कि भाई हर्षित ने भी कुछ करा जीवन में। वही एक मोटिवेशन मिलती गई, उस मोटिवेशन पे मैं चलता गया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मोटिवेशन आती कहाँ से, मोटिवेशन ऐसे ही आती है जब आपको सुनने के लिए मिलेगा ना, आपके या तो कर्म एकदम उल्टे हों और फिर आप एक उस पॉइंट पे आ जाओगे भाई हाँ आई हैव टू चेंज नाउ। जैसे अब मैं सुनते सुनते परेशान हो गया मोटापे को लेके, और अब मैं जिम के टाइम पे ही घर से बाहर निकला हूँ और जिम ही जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ जिम पे। तो मैं इसे करके दिखाऊंगा। अगर मैंने सोची थी कि मुझे फॉर्चुनर लेनी है और इतने समय में लेनी है जन्मदिन के आसपास, तो मैंने वो करा, उस हिसाब से मेहनत करी, उस हिसाब से चीज़ों में लगा रहा सिर दे के लगा रहा बिल्कुल। मैंने कहा अगर 46 लाख रुपये गाड़ी लूंगा तो इतने रुपये घर वालों को कमा के दे दूंगा इतने दिन में। तो ये चीज़ आपको टारगेट सेट करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने काम में फुल फोकस फुल लगन पॉजिटिविटी प्लस, मतलब आप सामने वाले में डूब जाओ अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो ना। तो ये एक पॉइंट होता है कि भाई हाँ ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, तो एक कमेंट ड्रॉप करके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करना ऐसी वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को एक अच्छे पाथ पे ले जाने के लिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी आप ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको एक 20-21 साल के लड़के की सक्सेस स्टोरी पता चले। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, प्लान्स बहुत बड़े हैं, अपने साथ वाले लोगों को भी बहुत आगे लेके जाना है, इस शर्मा फार्मेसी ब्रांड को बहुत ऊपर लेके जाना है, अभी तो बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो अगर श्याम बाबा ने चाहिए तो वो सब करके मानेंगे, और ज़्यादा नहीं कहता, कभी ना कभी ऐसा हिसाब बन पाया तो 1.5 करोड़ की भी गाड़ी कभी ना कभी लाएंगे ज़रूर। मन है यार, मतलब मेरे पापा का मेरा गाड़ियों में इंटरेस्ट है पहले से ही। पापा भी जब हमारा हिसाब किताब इतना बढ़िया भी नहीं था ना, तब भी किया सेल्टोस लेके आ गए थे 0 डाउन पेमेंट पे। तो भाई ये जिगरा होता है, और उस फिर लोन को ख़त्म कर देना टाइम से पहले, तो ये आप अगर लगन है ना, आपको उस चीज़ का शौक है, तो आप तभी कर पाओगे। आप ये सोच लो कि मुझे मतलब ही नहीं है, मैं क्या करूँगा गाड़ी चला के, मैं क्या करूँगा गाड़ी में घूम के, मैं तो कैब में चला जाऊँगा, तो आप उस लिए मेहनत नहीं कर पाओगे। आपको एक एम सेट करना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं भी गाड़ी से उतरूँ तो 4 लोग देखें और तारीफ करें, तभी वो मेहनत होती है, नहीं तो नहीं होती। तो इस उम्र में ये चीज़ें आना मन में, एक तो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है, पेरेंट्स सिखाते हैं उनके कैसे टफ टाइम्स गुजरे, उन्होंने अपने उस समय में कैसे चीज़ें करी, तो उस चीज़ों के थ्रू ही ये चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो अगर आप कोई पेरेंट है किसी बच्चे के, तो उसको इस तरह की अपब्रिंगिंग करना, उसको मोटिवेट करके चलना और उस बच्चे को समझा के चलना कि भाई आगे जाना है, बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ करना है। तो ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने इस वीडियो में, बस अब थोड़ी सी गाड़ी के बारे में बातें कर लेते हैं। इस गाड़ी को चलाने में फ़ील है भाई, जो चीज़ स्कॉर्पियो वगैरह ये XUV वगैरह में नहीं आती, वो चीज़ फॉर्चुनर में लगती है। और मतलब किसी को आप देखोगे ना, फॉर्चुनर वाला एक अलग ही, मतलब अलग दिख जाएगा आपको, भैया बंदा फॉर्चुनर वाला है ये। वही चीज़ें मन में सेट थी कि भैया जीवन में महंगी गाड़ी लेनी है कभी तो फॉर्चुनर लेनी है, और ले ली। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, श्याम बाबा की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कुल देवताओं का आशीर्वाद है, और उनके सीधा हाथ रहा, कृपा रही, तो और आगे चलते जाएंगे, साथ वालों को भी आगे लेते जाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एक चीज़ और कि भाई हम अगर वीडियो में लगे रहें और मेहनत ना करें तो वीडियो में भी मज़ा नहीं आएगा। आज फॉर्चुनर है तो आप इस थंबनेल पे क्लिक करके ज़रूर देखोगे कि भी बंदे ने गाड़ी कैसे ली। तो मेन चीज़ है आपको सक्सेसफुल होना पहले, उसके बाद भी आप YouTube चैनल को उठा सकते हो। कई सारे लोग सोचते हैं YouTube से ही पैसा कमा के चीज़ें कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नेवर एवर पॉसिबल। मैंने वो चीज़ें करके देख ली, हाँ अगर सिर दे के भिड़ जाओगे तो वो काम भी हो जाएगा, ये भी मैं आज आपसे कह रहा हूँ। अगर आप सिर दे के भिड़ गए कि भाई हाँ
यूट्यूब से ही पैसा करना कमाना है, यूट्यूब वालों को ये बिल्कुल नंगा कर देना है, तो आप उस काम को भी कर लोगे। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि हमारी जिम आ चुकी है। और अच्छा लगा हो व्लॉग तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स टीम मेम्बर्स के साथ ताकि वो मोटिवेट हों इस वीडियो को देख के और आपकी जीवन में चेंजेस आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मिलेंगे एक और वीडियो में, पूरी स्टोरी बताऊंगा शायद कभी मौका लग पाया तो। ठीक है गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।